दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA त्रिलोकपुरी के पास संजय झील पार्क को दिल्ली की पहली हाईटेक सब सिटी के रूप में डेवलप करने की योजना बना रही है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी के पास DDA हाईटेक सब्सिडी बनाने जा रही है। DDA पूरे इलाके को DOT के तहत NBCC के साथ मिलकर विकसित करना चाहता है। इसके बाद संजय झील नए रूप में दिखेगी। 25 एकड़ की संजय झील के पास DDA की जमीन काफी समय से खाली पड़ी थी। बुधवार को DDA बोर्ड की बैठक में इस परियोजना पर सहमति बन गई। DDA जमीन पर जिस आधुनिक सब्सिडी का निर्माण करेगा उसका नाम होगा संजय लेक व्यू। इस प्रोजेक्ट में जो है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल सभी तरह का जो है वो एक एप्रोप्रिएट मिक्स रहेगा। यहाँ पे ओल्ड एज होम्स भी बनेंगे, अच्छे पार्क्स होंगे और मॉल रहेगा कमर्शियल के लिए, और काम करने के लिए जो है वर्किंग स्पेस भी रहेगा। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सबसे पहले जमीन का लैंड यूज चेंज करके इसे मिक्स्ड लैंड यूज के तहत लाया जाएगा। इसके बाद इस जमीन पर आवासीय परिसर से लेकर अस्पताल, स्कूल, सिनेमा हॉल से लेकर बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम भी बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कंपनियां के दफ्तर भी होंगे ताकि लोगों को यही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस योजना पर सहमति बन जाने के बाद सभी तकनीकी और कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जल्द ही ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी DDA ने DOT के तहत करकरडूमा के पास ईस्ट दिल्ली कॉम्प्लेक्स बनाने की स्वीकृति दी थी। संजय झील के पास DOT के तहत बनने वाली ये दूसरी योजना है। इलाके के लोग इस योजना से बेहद खुश हैं। पार्क के अंदर सब कुछ होगा, एक फ्लैट, स्कूल, स्विमिंग पूल, आई थिंक सब कुछ होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत चीज की है ये। और दिल्ली वाले की तरह मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मैं एक धन्यवाद करता हूँ चीज के लिए। आसपास के लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। देखना यह है कि योजना दिल्ली के भविष्य के लिए नए कॉन्सेप्ट का रास्ता खोलती है या महज कागजों पर खानापूर्ति बनकर रह जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ये योजना बेहद सराहनीय है। हालांकि देखना ये होगा कि दूसरी अन्य योजनाओं की तरह कहीं ये भी महज कागजों में सिमट कर ना रह जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।